तो कहानी शुरू होती है 406 कैंडरबरी हिल से, जहां रोज की तरह एना चिकन कैसरोल बना रही है, पर आज भी वो अवन से कैसरोल निकालते टाइम ग्लव्स पहनना भूल जाती है। असल में एना एक डिप्रेशन पेशेंट है जिसका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो चुका है। एना की एक बेटी भी थी एलिजाबेथ, पर एक हादसे में वो भी मारी गई। और तभी से एना दिन के 12 घंटे अपने काउच पे बैठ के बस वाइन पीती है और बाहर देखते हुए अपना टाइम बिताती है। रोज की तरह जब एना विंडो को देख रही थी, तभी उसे याद आता है कि स्कूल का टाइम हो गया है। पर स्कूल जाके उसे फिर से याद आता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं उसे कैरल मिलती है, जो एना की पड़ोसी है। कैरल उसे स्कॉट नाम के क्लाइंट से मिलने को बोलती है, जो उसे आज जॉब देने के लिए बात करने वाला है, और बोलती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए और पुरानी चीजों को अब भुला देना चाहिए। एना घर आती है और ब्यूल से पूछती है कि उसका काम कैसा चल रहा है, जो उसके घर का मेल बॉक्स ठीक करने आया होता है, पर काफी समय से वो अभी तक उसका मेल बॉक्स ठीक नहीं कर पाया। तभी एना रोज की तरह अपना वाइन ग्लास लेती है और विंडो पे बैठ जाती है और पुरानी फोटोज देख के अपने हस्बैंड को याद करने लगती है। अचानक उसकी नजर सामने वाले घर पे पड़ती है और वो देखती है कि उसके घर के सामने नए पड़ोसी आए हैं, जिसमें एक काफी हैंडसम लड़का है जिसका नाम होता है नील कोलमैन, और उसकी एक बेटी एमा भी उसके साथ होती है। तभी उसे स्लोन कॉल करके कहती है कि उसका एक शो है और उसे एना की बनाई हुई एक पेंटिंग चाहिए। असल में स्लोन एना की बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो जानबूझ के एना से बार बार पेंटिंग मांगा करती है, क्योंकि एना पहले बहुत अच्छी पेंटिंग किया करती थी और स्लोन के हिसाब से अगर वो दोबारा से पेंटिंग शुरू करेगी तो उसके डिप्रेशन से रिकवर करने में उसे काफी हेल्प मिलेगी। रात में एना रेडी होके स्कॉट से मिलने जाने लगती है, तभी वो अपनी बेटी के रूम में उसे बाय कहने जाती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। गुस्से में एना चेंज करके बाथ टब में बैठ जाती है, जिसपे कैरल बहुत ज्यादा नाराज होती है। थोड़ी देर बाद एना को अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है, जो उसके घर के ऊपर के स्टोर से अक्सर आया करती थी, पर हर बार चेक करने पे उसे कभी भी वहाँ कोई मिला नहीं। एना ने इस बारे में अपने एक थेरेपिस्ट से भी बताया था, पर हर बार थेरेपिस्ट का जवाब सिर्फ यही होता था कि तुम्हारा घर लकड़ी का बना है, इसलिए शायद आवाजें आती रहती होंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग नील उसके घर आता है कुछ फ्लावर्स लेके और बोलता है कि फ्लावर्स बाहर रखे थे, इसलिए मैं बताने चला आया। जो फ्लावर्स असल में स्लोन ने भेजे होते हैं। उन दोनों में काफी देर थोड़ी बात होती है और उसके बाद नील अपने घर चला जाता है। एना अपनी बेटी की कब्र पे रोज की तरह फ्लावर रखने जाती है, और जब वो घर वापस आती है तो उसके गेट पे नील की बेटी एमा होती है, जो स्कूल के लिए कुछ चॉकलेट सेल करके अपना टारगेट पूरा कर रही है। एमा को देख के एना को अपनी बेटी एलिजाबेथ की याद आ जाती है, इसलिए वो उसे चॉकलेट लेके उसे $50 देती है, और बातों बातों में एना कहती है कि वो रात में उसके लिए चिकन कैसरोल लेके आएगी। पर कैसरोल ले जाते वक्त बारिश होने लगती है और एमा बीच रोड पे ही बेहोश जाती है, क्योंकि उसे ओम्ब्रोफोबिया होता है, यानी कि बारिश का डर। नील की नजर उस पे पड़ती है और वो उसे उठा के घर ले जाता है, और बातों बातों में नील भी उसे बताता है कि एमा की मॉम की भी डेथ लेक हाउस में डूबने की वजह से हुई थी। जाते समय नील उसे कहता है कि उसे दोबारा से पेंटिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पेंट करती है। रात में एमा स्टोर में पेंटिंग का सामान ले जाती है, पर फिर वो डर के वहां से भाग आती है और कुछ डिप्रेशन पिल्स लेके फिर से विंडो पे बैठ के नील को देखने लगती है। तभी सामने विंडो से नील भी उसे देखता है और अचानक वो उसके घर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर में दोनों में नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं, पर अचानक एना को होश आता है, क्योंकि वो सब उसका सिर्फ इल्यूजन था। अगली सुबह एना दूसरा कैसरोल लेके नील के घर जाती है और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। एमा अपनी कुछ पेंटिंग्स भी एना को दिखाती है, और खाने के बाद एना एमा को कहानी सुना के सुला देती है, और नील से थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने घर चली जाती है। पर शायद एना गलत नहीं होती, क्योंकि कोई तो है जो उसके घर में रह रहा होता है, वो भी बिना उसकी जानकारी के। अगली सुबह एना एमा के लिए कुछ पेन कलर्स लेके जाती है, पर तभी वहाँ लीजा आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि नील की गर्लफ्रेंड होती है। लीजा एना के हाथ से सारे कलर्स ले लेती है और खुद ही एमा को दे देती है। एना गुस्से से मार्केट चली जाती है कुछ और वाइन की बॉटल्स लेने, जहाँ वो कैरल को सुनती है उसकी बुराई करते हुए। वापस आके वो देखती है कि लीजा ने उसके दिए हुए कलर्स डस्टबिन में डाल दिए हैं, जिसपे वो बहुत गुस्साती है और सीधा कार उसी के ऊपर चढ़ा देती है। पर अगेन ये उसका एल्यूजन ही होता है। पूछने पे लीजा बोलती है कि उन कलर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जो उसे घर में एकदम नहीं पसंद, इसलिए उसने उन कलर को डस्टबिन में डाल दिया। घर पे एना को थेरेपिस्ट का कॉल आता है, जो उसका रेगुलर हालचाल लिया करता है, और हमेशा की तरह
उससे ड्रिंक करने को मना करता है और बार बार यही कहता है कि जो भी हुआ उसे उसको शेयर करना चाहिए। एना उसे फिर से बताती है कि उस दिन बारिश हो रही थी और टेक योर डॉटर्स टू वर्क डे था। एलिजाबेथ के डैड जो FBI में सीरियल किलर्स के फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट थे, वो एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर के रूम में एलिजाबेथ के साथ गए जिसने 30 लोगों को मारा था और उन्हें खा गया था। अचानक डगलस यानी एलिजाबेथ के फादर को कोई कॉल आता है और उन्हें कहीं जाना पड़ता है और एलिजाबेथ और वो किलर एक रूम में अकेले रह गए और इतना बोल के एना फोन कट कर देती है। तभी विंडो पे लीजा दो फोन से किसी और से बात कर रही होती है और उसे देख के एना को लगता है कि उसके कैरेक्टर में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो उसके सोशल अकाउंट्स पे नजर रखना शुरू कर देती है। तभी स्लोन वहां आती है और एना उसे सब कुछ बताती है और उसी वक्त एना की नजर किसी सेक्सी रेक्सी के अकाउंट पड़ती है जिसने लीजा की सारी पिक्स को लाइक किया था। पर स्लोन उसे कहती है कि उसे ये सब छोड़ के अपना ध्यान देना चाहिए और पेंटिंग्स फिर से शुरू करनी चाहिए क्योंकि इससे उसे अच्छा फील होगा। जिस बात को इस बार मान के एना पेंट तो करती है पर गुस्से में अपनी पेंटिंग को खराब भी खुद ही कर देती है। तभी उसकी नजर बाहर खड़े ब्यूल और कैरल पे पड़ती है जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और इतने में एना गुस्से में पैलेट नाइफ लेके कैरल को हड़काने चली आती है और उससे कहती है कि क्या वो उसकी बुराई अब ब्यूल से भी करेगी। जिस पे कैरल उसे कहती है कि उसके हस्बैंड के पास कुछ इम्पोर्टेंट लेटर्स आने थे जो शायद उसके घर पे आ गए और वो बस उन्हीं लेटर्स के बारे में पूछने आई थी और आज के बाद वो एना से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी और कभी उसके लिए प्रे भी नहीं करेगी। घर पे वापस आके एना देखती है कि सेक्सी रेक्सी है उसकी फॉलो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है जिसपे वो कुछ सेक्सी कपड़ों में पिक्स क्लिक करके एक फेक अकाउंट बनाती है और इस बार उसकी ट्रिक काम कर जाती है और सेक्सी रेक्सी यानी रेक्स बकी उसकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। रेक्स के अकाउंट में एना को रेक्स और लीजा की कुछ पिक्स मिलती हैं, जिनको देख के वो कंफर्म हो जाती है कि लीजा में जरूर कुछ गड़बड़ी है। उसी रात जब एना विंडो पे बैठी होती है तभी सामने के घर में कोई लीजा का मर्डर कर देता है। वो हड़बड़ा के पुलिस को कॉल करके घर की तरफ भागती है पर बारिश में बेहोश हो जाती है और एना के होश में आने पे पुलिस एना से बताती है कि वहाँ कोई भी लाश नहीं है और नील कोलमैन के हिसाब से उसकी गर्लफ्रेंड लीजा वेस्ट कोस्ट की फ्लाइट पे गई हुई है अपनी ड्यूटी करने। एना के हस्बैंड डगलस की वजह से पुलिस ऑफिसर उसको पहले से जानती थी इसलिए वो उसे समझाती है कि वो ये अजीब सी बुक्स ना पढ़े और दारू कम पिया करे। नेक्स्ट मॉर्निंग नील एना को बताता है कि उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई है और रिपोर्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसकी और लीजा की मैसेज से बात भी हुई थी जिसके साथ वो प्रूफ के लिए उसे अपने मैसेजेस भी दिखाता है। पर एना उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे घर के अंदर आने दे सकती है, वो खुद हर चीज चेक करना चाहती है पर नील उसे मना करता है। कैरल भी एना की बात नहीं मानती और वो बहुत गुस्साती है। एना अपने घर आती है और एक लाइट तोड़ के ब्यूल को बोलती है कि पता नहीं किसने किया है और क्या वो मार्केट से एक नई राइट ले आएगा। और ब्यूल के जाते ही एना रिस्क लेके चुपके से नील के घर में घुस जाती है ताकि वो कुछ सबूत ढूंढ सके और उसे मर्डर की जगह पे लीजा की इयररिंग भी मिलती है। इतने में ही नील वहां आ जाता है और उसपे बहुत गुस्सा आता है और उसे भगा देता है। रात में एना स्लोन के कहने पे थेरेपी सेशन लेने जाती है जहां वो सबके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है और नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाके उसे पता चलता है कि अगले साल तक के लिए वेस्ट कोस्ट की सारी फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया है जिससे वो ऑफिसर को बताती है कि अगर वेस्ट कोस्ट के लिए कोई फ्लाइट गई ही नहीं तो लीजा किसी फ्लाइट पे ड्यूटी कैसे कर सकती है। पर ऑफिसर के हिसाब से शायद लीजा नील को नहीं बताना चाहती होगी कि वो कौन सी फ्लाइट पे जा रही है और ऑफिसर उससे कहती है कि उसके दिमाग पे बस उसकी बेटी के मर्डर का असर है और कुछ भी नहीं। पर बाहर एना की कार पे एक मैसेज होता है जिसे देखने पे वो कंफर्म हो जाती है कि उसे धोखा नहीं हुआ है। उसी दिन एमा फिर से एना के घर कुछ चॉकलेट सेल करने आती है और इस बार एना एमा से पूछती है कि क्या वो किसी रेक्स बैके के बारे में जानती है और मर्डर की रात क्या एमा ने कुछ भी सुना था। पर एमा बताती है कि उस वक्त उसके पापा ने उसे उसके रूम में बंद करके उसे उसके रूम में बैठ के टीवी देखने को बोला था और कहा था कि वो बाहर ना आए। एमा का डाउट अब नील पे जाने लगता है इसीलिए वो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए थोड़ा सर्च करती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर उसकी वाइफ के मर्डर का भी शक गया था पर बाद में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो गिल्टी नहीं पाया गया। इसी सर्च के दौरान उसे नील की वाइफ मेरिडेथ की बहन के बारे में पता चलता है जिसका नाम हिलेरी होता है और एना उससे मिलने चली आती है। बाहर जाके ब्यूल उसे एक डेड रकून की बॉडी दिखाता है और बोलता है कि लाइट पे शायद यही गिर गया होगा, जिसपे एना कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि सच क्या है। हिलेरी एना को बताती है कि उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि नील कैसा इंसान है पर नील ने मेरिडेथ के मरने के बाद हिलेरी और एमा को एक दूसरे से काफी दूर रखा। इवन एमा की मॉम की डेथ के बाद में एमा की एक टीचर भी
लाइट हाउस से गिरने की वजह से मर गई थी और उसके बाद उसके बारे में भी जानने के लिए एना उसके स्कूल और लाइट हाउस पे खड़ी फोटोग्राफर से बात करती है, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी टीचर की मौत के दिन नील भी स्कूल बस में उन सबके साथ आया था और उसे कंफर्म हो जाता है कि किस तरह नील ने ही एमा की टीचर को भी मारा होगा। रात में घर आके वो देखती है कि नील के घर पे एक बेबी सिटर आई होती है और नील एक बड़े से बैग में कुछ चीज लेके जा रहा होता है। उसे डाउट होता है कि शायद नील लीजा की डेड बॉडी को छुपाने जा रहा है, इसलिए उसका पीछा करती है और जबरदस्ती करने पे नील उसे बैग दिखाता है जिसमें लाश नहीं बल्कि नील की शक्ल के एक पपेट होता है। नील उसे बताता है कि लाइफ में सारी उम्मीदें खोने के बाद उसे ऐसा लगा कि हंसना ही हर चीज का ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए वो सबसे छुप के हर रात को एक पपेट शो करता है। वो शर्मिंदा होके घर वापस आ जाती है, तभी दरवाजे पे रेक्स बकी यानी सेक्सी रेक्सी उसे पकड़ लेता है और घर के अंदर ले जाता है। अंदर आके रेक्स उससे नॉर्मल होने को बोलता है और कहता है कि सब कुछ नॉर्मल दिखने के लिए अपने हस्बैंड को मैसेज करे और कुछ भी सामान ला के उसे देने को बोले। और बाद में वो एना से पूछता है कि चेस्टडी यानी कि लीजा कहाँ है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एना और चेस्टडी ने मिलके किया है। तभी वहाँ दरवाजे पे ऑफिसर आ जाती है और रेक्स एना को धमकी देता है कि अगर उसने ऑफिसर से कुछ भी बताया तो वो उसकी बेटी को मार देगा, जिस पे एना हंस के उसे जवाब देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो तुम मुझसे छीन सको। ऑफिसर एना से कहती है कि नील ने उसकी कंप्लेंट करी है पर वो उसे वार्निंग देके छोड़ रही है क्योंकि वो उसे पहले से जानती है और एना आगे से नील की फैमिली से दूर रहे। जब एना रेक्स को बताती है कि उसने दो रात पहले लीजा को खून होते हुए सामने विंडो पे देखा था, तब रेक्स उससे बोलता है कि वो जरूर कोई गेम खेल रही है क्योंकि लीजा यानी कि चचड़ी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसे जरूर मालूम होगा कि सामने विंडो पे तुम उसे देख जरूर लोगी, इसलिए उसने अपनी मौत का नाटक किया होगा ताकि वो नील का सारा पैसा अकेले ही खा ले। और पूरी बात बताते हुए रेक्स उसे बताता है कि कैसे रेक्स एक क्लब में स्ट्रिपर था और चेस्टडी एक वेटर। चेस्टडी ने एक प्लान बनाया और रेक्स के साथ मिलके एक के बाद एक कई अमीरों को फंसाया और उनका सारा पैसा खा लिया। चेस्टडी का टारगेट हर बार ऐसे ही लोग होते थे जिनकी वाइफ या तो मर चुकी होती थी या तो उन्हें छोड़ के चली गई थी। और इन दोनों का लेटेस्ट टारगेट नील कोलमैन था, पर इस बार गड़बड़ ये हो गई कि नील की एक बेटी भी थी और इसीलिए चेस्टडी ने रेक्स को धमकी दी थी कि वो एमा को ठिकाने लगा दे वरना वो उसे छोड़ेगी नहीं। पर उसी दिन के बाद से चेस्टडी और रेक्स में कोई भी बात नहीं हुई। तभी दरवाजे पे डगलस यानी एना का पति आ जाता है जो ब्रेड लेके आया होता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वो चला जाता है। अंदर आने पे रेक्स उसे बताता है कि उसने ऊपर कुछ आवाज सुनी थी, पर ऊपर आके देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। और एना जवाब देती है कि लकड़ी का घर है, आवाजें तो आया करती हैं। रेक्स एना से उसकी बेटी के बारे में पूछता है और पूरी बात जानने के बाद रेक्स को बहुत ही अफसोस होता है। दोनों में काफी नजदीकी हो जाती है। एना रेक्स को किस करने लगती है। एना रेक्स से कहती है कि उसे बहुत लंबे समय बाद किसी ने छुआ है और रेक्स को भी एक लंबे समय से प्यार की तलाश थी। और देखते ही देखते दोनों के बीच में प्यार शुरू हो जाता है। दोनों रात भर साथ में ही रहते हैं और उसके बाद दोनों साथ में ही सो जाते हैं। सुबह होने पे एना को एक बार के लिए लगता है कि शायद रात में जो भी हुआ वो उसका एल्यूजन था, पर इस बार एना गलत नहीं होती और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। तभी अचानक पुलिस फोर्स घर पे आती है और रेक्स को चेस्टडी के मर्डर के इल्जाम में पकड़ लेती है। ऑफिसर एना को बताती है कि फाइनेंशियल क्राइम यूनिट काफी लंबे समय से चेस्टडी और रेक्स के ऊपर नजर रखे थी, पर कल रात जब चेस्टडी की लाश मिली जो कि जंगल में कुछ पत्तों के नीचे दबी हुई थी, तो पुलिस का सारा डाउट रेक्स के ऊपर गया और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। एना को लगता है कि सारी चीजें अब सॉल्व हो गई हैं, इसलिए उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए और वो स्लोन के साथ थोड़ा घूमने चली जाती है। वापस आके वो गेट नहीं खोल पाती, इसलिए वो ब्यूल की हेल्प लेती है, पर उसकी नजर पड़ती है कि ब्यूल के हाथ में कील घुसी है, पर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता। वो अंदर ले जाके ब्यूल की ड्रेसिंग करती है और ब्यूल उसे बोलता है कि एना उसके लिए मॉम की तरह है। एना एलिजाबेथ की कब्र पे जाके उससे कहती है कि वो अब बदल रही है और नील और एमा भी वहाँ आते हैं और एना और नील दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। कुछ टाइम बाद पुलिस को लाश की जगह पे एक पैलेट नाइफ मिलता है जिसे पुलिस एना को पकड़ लेती है क्योंकि उस नाइफ पे एना के ही फिंगरप्रिंट थे। एना के घर से पुलिस को एक पेंटिंग भी मिलती है जिसपे एना ने नील की फैमिली को अपने साथ पेंट किया था, पर एना के मुताबिक उसे याद ही नहीं कि उसने पेंटिंग बनाई कब। ऑफिसर उससे कहती है कि ऐसी काफी चीजें हैं जो तुमने करी होंगी पर तुम्हें नहीं याद। एना को भी अब ऐसा लगने लगता है कि शायद उसी से ये मर्डर हुआ है पर उसे याद नहीं हुआ होगा क्योंकि वो नशे में रही होगी। एना को बार बार ऐसे विजन्स दिखते थे जैसे कि उसके हाथ से उसके एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड का मर्डर होना, इसलिए एना कुछ भी समझ नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग स्लोन एना को बेल दिला देती है और नील उसे धमकी देता है
कि अब अगर वो उनके आसपास भी आई तो वो उसे गोली मार देगा। रात में फ्रस्ट्रेट होके एना फिर से वाइन पीने लगती है, तभी उसे फिर से कोई आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि ऊपर स्टोर से खून गिर रहा है। तभी वो डर के तुरंत अपने थेरेपिस्ट को कॉल करती है और कहती है कि शायद उससे कोई खून हो गया है और इस बात का उसे याद भी नहीं। इस बात पे थेरेपिस्ट बोलता है कि वो एकदम श्योर है कि एना कोई मर्डरर नहीं है। और तभी थेरेपिस्ट उसे बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड डगलस है, जो इतने सालों से उससे बच के थेरेपिस्ट बन के उसका रोज हालचाल लिया करता था ताकि वो उसके बारे में हर बात जान सके। डगलस एना से बोलता है कि वो डरे नहीं और ऊपर आके चेक करें कि आखिर दिक्कत क्या है। एना ऊपर स्टोर रूम में जाती है और डगलस को बताती है कि वो गलत थी और वहाँ कोई खून नहीं बल्कि लाल पेंट का डिब्बा है जो गिरा हुआ था। पर तभी उसकी नजर कुछ पेंटिंग्स पे पड़ती हैं जो शायद उसने ही बनाई थी, पर उसके हिसाब से ये वहाँ कैसे पहुंची ये उसे नहीं पता। डगलस उसे पूछता है कि क्या कोई उसकी गैर हाजिरी में वहां आता है। और तभी एना की नजर पड़ती है ब्यूल के ग्लव्स पे और दीवार के पीछे एक बेड पे। वो तुरंत समझ जाती है और बोलती है कि ब्यूल कब से यहीं रह रहा है और उसे इस बात का डाउट था पर उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। एना ब्यूल का पास पूछती है क्योंकि डगलस ने ही कई साल पहले ब्यूल को मेलबॉक्स ठीक करने भेजा था पर वो आज तक उसे ठीक नहीं कर पाया। और ये बात सुन के डगलस बहुत ही डर जाता है और बताता है कि ब्यूल उसका सबसे पहला पेशेंट था जिसने डिप्रेशन में अपने पूरे परिवार को एक हथौड़े से मार दिया। उसके बाद वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में चला गया पर वापस आके वो ठीक हो गया, इसलिए डगलस ने उसे एक मौका देने का सोचा। डगलस पूछता है कि अभी ब्यूल कहाँ है, जिसपे एना की नजर विंडो से ब्यूल पे पड़ती है जो एक हथौड़ा लेके नील के घर की तरफ जा रहा होता है। एना डर के ब्यूल के पीछे भागती है पर बीच रोड पे ही वो बारिश की वजह से बेहोश हो जाती है। पर इस बार उसे एमा की याद आती है इसलिए वो हिम्मत दिखाती है और ब्यूल को रोकने एमा के घर जाती है। पर घर पे पहुंचने पे उसकी नजर पड़ती है कि ब्यूल खुद ही घायल होकर जमीन पे पड़ा है। ब्यूल उसे बताता है कि वो बस किसी काम से इनके घर पे आया हुआ था। और तभी एना की नजर पड़ती है कि नील का भी गला कटा हुआ है और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि एमा ने ही किया था। एना को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत हैरान होती है। एमा उससे कहती है कि लीजा बहुत ज्यादा चालाक थी और उससे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती थी, इसीलिए उसने लीजा को मार दिया। मर्डर के टाइम उसके पापा यानी नील बाथरूम में नल चला के पपेट शो की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं। एमा बोलती है कि उसके पापा बहुत ही बोरिंग पपेट शो करते थे, इसलिए उसने अपने पापा को भी मार दिया। और यही नहीं, उसने अपनी मॉम को भी मारा क्योंकि उसकी मॉम ने बिना एमा की परमिशन लिए दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए प्लानिंग कर ली थी और वही है जिसने अपनी टीचर को भी लाइट हाउस से धक्का दिया। एना बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि एमा बहुत ही ज्यादा बड़ी साइको किलर होती है। काफी देर दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है और एमा एना को गोली मार देती है, पर फिर भी एना किसी तरह से एमा को जान से मार देती है। थोड़ी देर में डगलस वहां आ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है और बताता है कि ब्यूल भी अभी ठीक है। कुछ ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है और डगलस और एना पहले की तरह साथ रहने लगते हैं। जब एना को मालूम चलता है कि डगलस के साथ रहने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी जूनियर कलीग है, कैरल भी एना से माफी मांगती है और ब्यूल भी ठीक होके प्रॉपरली एना के घर पे रहने लगता है और उसे बोलता है कि डगलस के जाने के बाद वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उन लोग के उस पे काफी एहसान है। ब्यूल को उसकी काफी चिंता थी इसलिए वो छुप के उसी के घर में रहने लगा था। एना का डिप्रेशन भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका था और सब साथ में हैप्पीली रहने लगते हैं। एक दिन जब फ्लाइट से एना स्लोन से मिलने उसकी सिटी में जा रही होती है, तभी एना को फ्लाइट के वॉशरूम में उसकी को पैसेंजर की डेड बॉडी मिलती है और तुरंत वो फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाती है और उसको बुलाने पे वहां पे उसे कोई भी लाश नहीं मिलती। फ्लाइट अटेंडेंट उससे बोलता है कि आपके साइड की सीट में कोई भी पैसेंजर नहीं बैठी थी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। पर सीट पे वापस आने पे उसे एक मेकअप मिरर मिलता है जो उसकी को पैसेंजर का ही था और वो समझ जाती है कि उसने जो भी देखा वो गलत नहीं था और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो यार दोस्तों, अगर तुम लोग को आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडोज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजाना। मैं मिलूंगा जल्दी तुमसे किसी और अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।